नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो नोमेनक्लेचर क्या है, एक नेमिंग का सिस्टम है, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है, उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो शुरुआत में जब कार्बन की कंपाउंड्स पाए जाने लगे तो मतलब थोड़े सी थे, कुछ कुछ ही कार्बन कंपाउंड्स शुरुआत में फॉर्म्ड पाए गए, तो साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से उसको नाम दिया, किसी ने एसिटिलीन कहा, किसी ने इथिलीन कहा, एक्सेट्रा, सब अपना अपना नाम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड पाए जाने लगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा, ठीक है। तो एक एक समिति बनाई गई, मतलब एक संस्था बना, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने ये नेमिंग सिस्टम है जिसके थ्रू कार्बन को एक कॉमन नेम दिया जाता है, ठीक है। सो शुरुआत में जब थोड़े कंपाउंड थे तो साइंटिस्ट अपने हिसाब से नाम देने लगे इसके लिए। देखो जो स्टार्टिंग है अल्केन की फैमिली में, जो स्टार्ट के नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ऐसे ही रखे हुए नाम है, यानी मीथेन मतलब वन नहीं होता, इथेन मतलब टू नहीं होता, प्रोपेन का मतलब थ्री, ब्यूटेन का मतलब चार नहीं होता, हाँ पेंटेन मतलब पाँच होता है, हेक्सेन मतलब छः, हेप्टेन मतलब सात होता है, ऑक्टेन मतलब आठ होता है, बट मीथेन ऐसे ही रखा हुआ नाम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि पहले कुछ ही कंपाउंड थे, थोड़े सी कंपाउंड थे, ठीक है। तो इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी नाम रखने की, बट बाद में जब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पाए गए तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा, और ऊपर से आइसोमेरिज्म जो प्रॉपर्टी है, यानी एक ही कंपाउंड के एक ही टाइप का कंपाउंड है, मतलब कार्बन के कंपाउंड सेम है, चार कार्बन कंपाउंड लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में और कन्फ्यूजन होने लगा, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स पाए जाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन जिसको एन ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरा आई ब्यूटेन जो आइसोब्यूटेन है, ठीक है। उसी तरह से पेंटेन में, हेक्सेन में तीन टाइप के पाए जाते हैं, कौन से तीन टाइप के, आई पेंटेन, नियो पेंटेन और एक नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, आई पेंटेन और नियो पेंटेन। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा, ठीक है, आइसोमर्स की वजह से कन्फ्यूजन होने लगा, नेमिंग का अलग अलग सिस्टम की वजह से कन्फ्यूजन होने लगा। एज अ रिजल्ट साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक कॉमन नेमिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया कि कॉमन नेमिंग होना चाहिए। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम बनाया गया किसके अंडर में, ये IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, पुट फॉर द नोमेनक्लेचर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर के आधार पर एक कॉमन नाम का सिस्टम चालू किया गया, एंड इट वॉज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया, यानि आप फ्रांस चले जाओ तो भी यही नेमिंग मिलेगा, जर्मनी चले जाओ ये टाइप का नेमिंग, जापान जाओ, इंडिया में आओ, जहाँ पे भी आप रहोगे ये टाइप का नेमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। लेट अस सी हाउ सम स्ट्रेट चेन कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप आर गिवन IUPAC नेम्स। अब इसके कुछ रूल्स है तो वो देखते क्या है। बिफोर गोइंग टू दैट, हम लोग ये तीन क्वेश्चन है यहाँ पर वो समझ लेते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो पैरा था इसमें यही लिखा है कि पहले कंपाउंड्स कम थे तो साइंटिस्ट लोग अपने हिसाब से नाम रखते थे, लेकिन जब क्वांटिटी बढ़ गई, कार्बन कंपाउंड्स के बहुत सारी वैरायटीज आने लगी, तब उनको प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इसके लिए ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ ऐसा कॉमन नेमिंग सिस्टम होना चाहिए, और वो महसूस होने लगा तो फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से नोमेनक्लेचर यानी कॉमन नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। ऑलराइट, अच्छा ये क्वेश्चंस पहले देख लेते क्या है। सो ड्रॉ थ्री स्ट्रक्चर फॉर्मूला हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 यानी पेंटेन के तीन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे नाम भी दिया है, अगले क्वेश्चन में ही नाम दिया है, बोल रहा है इसमें ड्रॉ करो और फिर ये तीनों नाम दो आप उसको, यानी गिव द नेम एन पेंटेन, वन आई पेंटेन एंड नियो पेंटेन टू द अबाउ थ्री स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यूज द सेम लॉजिक एज यूज इन द नेम इन आइसोमेरिज
आइसोमेरिक ब्यूटेन फॉर दिस पर्पज, और आइसोमेरिक ब्यूटेन का जैसा नाम दिया वो यहाँ पर भी यूज करो. सो पहला वाला है देखो पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन. सेकेंड में एक ब्रांच है सेकेंड पे, तो ये है टू आइसो पेंटेन या टू आई पेंटेन. टू सेकेंड कार्बन पे है, वन टू थ्री फोर, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ये मैंने कैंसिल किया है गलती से, टू लिखा था, टू आइसो पेंटेन. फिर ये है नियो पेंटेन, ठीक है नियो पेंटेन. इसमें क्यों नियो कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कार्बन पे डबल ब्रांच है, आई में एक ब्रांच रहता है, नियो में दो ब्रांच रहता है, और नॉर्मल में ब्रांचिंग नहीं रहती, ठीक है. सो ये क्या बताया मैंने फर्स्ट आपको, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन. सेकेंड वाला है आइसो पेंटेन जिसमें एक ब्रांचिंग है, पांच कार्बन है और एक ब्रांच है, ठीक है. और ये थर्ड वाला ड्रॉ किया है वो मैंने नियो पेंटेन. नेक्स्ट ऐसे ही हेक्सेन के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो. सो ऐसा एक और एक आपको बोला है कि ड्रॉ करो सिमिलर ब्यूटेन के लिए, सॉरी हेक्सेन के लिए, हेक्सेन के लिए ड्रॉ करो और फिर देखो आप उसको कैसे नेम देते हो, राइट. और आपको नेम देने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, मैंने ये ड्रॉ करके बताया. पेंटेन का तीन आइसोमर्स, एन पेंटेन, वन आई पेंटेन और नियो पेंटेन मैंने जस्ट ड्रॉ करके दिखाया है. ये आपको ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है, तो डू इट बाय योरसेल्फ, ऑलराइट. नेक्स्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है इसका फुल फॉर्म है. पुट फॉर द नोमेनक्लेचर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इन्होंने एक सिस्टम आगे लाया, ठीक है, जो किस पे आधारित होगा, स्ट्रक्चर, कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर. एंड इट वॉज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया. देर इज अ प्रोविजन इन दिस सिस्टम फॉर गिविंग अ यूनिक नेम टू ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, हर कार्बन कंपाउंड को एक अलग थलग नाम दिया जाएगा. इसमें एक कानून बनाया गया, एक रूल बनाया गया, प्रोविजन मतलब रूल, कि हर कार्बन कंपाउंड को अलग नाम दिया जाएगा, ठीक है, सबका अलग अलग नाम रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो. लेट अस सी हाउ सम स्ट्रेट चेन कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप आर गिवन आईयूपीएसी नेम्स एंड लेट अस आल्सो सी द कॉमन नेम्स, ठीक है. तो देखते हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कंपाउंड रहते हैं उनको नाम कैसे दिया जाएगा और उनको कॉमन नेम्स क्या है. देर आर थ्री यूनिट्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग नेम, देखो आईयूपैक नेमिंग का तीन यूनिट होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और बीच में पेरेंट्स ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड, पेरेंट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. पेरेंट अल्केन क्या है, सफिक्स है या प्रीफिक्स है, दोनों में से एक ही होगा. दे आर अरेंज इन द नेम एज फॉलोस, देखो आपको भी पता है ग्रामर में पढ़ा होगा तुमने, पेरेंट्स के आगे जो लगता है, किसी नाम के आगे जो वर्ड लगता है उसको, सॉरी किसी भी वर्ब के आगे जो लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं और पीछे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं. जैसे सक्सेस, तो सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल उसका फुल उसका सफिक्स है, वैसे ही आगे लगने वाला वर्ड वो है प्रीफिक्स. जैसे अनवांटेड, तो वर्ब के आगे पीछे, वैसे ही यहाँ पर अल्केन, जो पेरेंट अल्केन रहेगा उसके आगे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में ऐड होते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स में लिखे जाते हैं, राइट. An IUPAC name is given to a compound on the basis of names of the parent alkane. और वो किस पे, आप पहले तो parent alkane पे ही IUPAC name रहेगा. The name of the compound is constructed by attaching. देखो मैं आपको short में बता दूँ, halogens जो रहता है वो prefix रहता है. Halogen जो, इसमें तीन step है IUPAC naming system में, तीन steps है, तीन steps के हिसाब से आप तीन या तीन step है, तीन स्टेप्स के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है. तो स्टेप वन, सबसे पहले पेरेंट अल्केन कौन है उसको पहचाना जाएगा. अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन है, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है. सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन रहेगा, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो अल्केन की जगह एन की जगह इन लिखा जाएगा एंड में, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एन की जगह आइन लिखा जाएगा, राइट. सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल दिया है, तीन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रोपेन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर प्रोपेन, चार कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्यूटेन,
ये पेरेंट अल्केन है, ये कंपाउंड है, ठीक है। देखो इधर तीन कार्बन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रोपेन, तीन कार्बन है, सॉरी दो कार्बन है और ये हाइड्रो ओ एच है, तो दो कार्बन है इसके लिए इथेन ग्रुप का है, इसका पेरेंट अल्केन कौन है, इथेन। एक दो तीन कार्बन है, गिन सकते हो, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन है ब्यूटेन, तीन कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड वाला है, तीन कार्बन है बट डबल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो प्रोपीन, तीन, और तीन कार्बन है विद ट्रिपल बॉन्ड तो प्रोपाइन। तो रूल नंबर वन क्या है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो पेरेंट अल्केन रहेगा एन, डबल बॉन्ड वाला है तो एन की जगह इन आएगा एंड में, अल्केन अल्कीन बन जाएगा, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाला तो आइन होएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट रूल नंबर टू, स्टेप्स टू बहुत सिंपल है, क्या कैमरा ब्लर हो रहा है अभी। रूल नंबर टू, अगर फंक्शनल ग्रुप है ठीक है तो लास्ट अल्फाबेट ई हट जाएगा और जो भी फंक्शनल ग्रुप का एंडिंग है वो ऐड होगा, ठीक है, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन है, देखो सारे फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स रहते हैं, मतलब पीछे का पार्ट ऐड होता है, पीछे ऐड होता है, लेकिन हैलोजन्स जो रहते हैं, हैलोजन्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये प्रीफिक्स होते हैं, आगे लिखे जाते हैं। हैलोजन के अलावा जितने भी है सब सफिक्स है, यानी पीछे लिखे जाएंगे और हैलोजन आगे ऐड होगा, पीछे नहीं। ऑलराइट, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, जो कार्बन की गिनती होती है चेन को, जो आप गिनोगे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन चेन है तो हम लोग इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो जहाँ पे सी एच ओ है ना वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जहाँ पे सी एच ओ है या सी डबल ओ एच है नंबरिंग वो साइड से स्टार्ट होगी। तो ये 1 2 3 4, अच्छा इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3, ठीक है 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहाँ पे सी ओ ओ एच या सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है। और ये कार्बन को नंबर वन देना ही है, और अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है ओ एच तो जो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी कार्बन की 1 2, कार्बन की चेन में नंबरिंग होगी वो लिखा है यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरे को पता है आपको ये सब रूल्स तो थोड़ा बहुत समझा होगा, लेकिन अब जब मैं नेमिंग करूँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आ जाएगा, डोंट वरी। फर्स्ट CH2 CH2 OH, देखो ये जो OH है ना, OH ये अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल। अच्छा कितने कार्बन है, दो, तो पेरेंट अल्केन है इथेन। ऑलराइट, अच्छा पेरेंट के बाद जो सफिक्स लगेगा वो OL लगेगा, OL, क्योंकि OH जो है वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का OL लास्ट अल्फाबेट OL अल्कोहल, ठीक है। ऑलराइट, तो अल्कोहल। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, इथेन का इथेनॉल हो गया सेकेंड, एक दो दो कार्बन है, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन प्रीफिक्स में लगता है, सफिक्स में नहीं लगता, प्रीफिक्स यानी आगे लिखा जाएगा, तो क्लोरीन का क्लोरो, तो क्लोरो आगे लिखा जाएगा क्लोरो, और कितने कार्बन है, दो सिंगल बॉन्ड में, तो क्लोरो इथेन। ये इसका ये जो है ये IUPAC नेम्स है, IUPAC नेम। ऑलराइट, यहाँ पे ब्रोमीन और दो कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, जो साइड पे ब्रोमीन है वहाँ से नंबरिंग 1 2, तो ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। जब भी दो कार्बन है यानी इथेन है तो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दो से ज़्यादा कार्बन है तो नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 यहाँ से गिनेंगे, सॉरी 1 2 3, तो ये क्या है, ये CHO ग्रुप है, तीन कार्बन है यानी प्रोपेन पेरेंट है, CHO मतलब अल्डिहाइड, तो अल लगता है, अल AL याद रखना पड़ेगा, अल्कोहल का OL, अल्कोहल हॉल OL, अल्डिहाइड तो AL लगेगा, ठीक है। तो तीन कार्बन है यानी प्रोपेन पेरेंट है प्रोपेन, ऑलराइट, और AL मैंने आपको पहले बताया हैलोजन को छोड़ के सबका सफिक्स होता है, सफिक होता है, ठीक है, हैलोजन को छोड़ के बाकी सबका सफिक होता है और हैलोजन का प्रीफिक्स होता है, ठीक है, हैलोजन को छोड़ के बाकी सबका सफिक्स होता है। तो CHO यहाँ पे तीन कार्बन है तो AL लगेगा लास्ट में, E हटेगा AL लगेगा, तो प्रोपेनॉल, यहाँ पे भी E हटा था OL लगा था, इथेनॉल अल्कोहल है ना तो इथेनॉल,
या एल्डिहाइड है तो प्रोपेनाल, नाल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट दो कार्बन है और डो जीरो ओ ओ ओ एच है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको ऑइक एसिड कहते हैं, ऑइक एसिड। तो दो कार्बन है, पेरेंट है इथेन और एसिड का नाम है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। पीछे ही सब में देखो, सब में सफिक है, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब भी हैलोजन आएगा तो आगे लगेगा क्लोरो ब्रोमो, बाकी सब में ऑल आल ऑइक एसिड, ठीक है। अमाइन, अभी अमाइन आएगा एन। सी एक ही कार्बन है तो मीथेन और एन एच टू है अमाइन, तो मिथान अमाइन, मिथा मिथान अमाइन, राइट। फिर यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है, ठीक है, देखो ये और ये अलग है, ये सी एच ओ है, ये सी ओ ओ एच है और इधर सिर्फ एक ओ है, एच ओ एच नहीं है, तो सी एच थ्री सी ओ एच, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन, ओन ओ एन ई, ओन, ठीक है। तो ई हटेगा और प्रोपेनॉन, ये ओ एन ई, कीटोन का लास्ट के ई टी ओ एन ई, तो ये ओ एन ई वन, ठीक है, वन बोलो आप, तो प्रोपेन प्रोपेनन हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपेनन, क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोपेनन, ऑलराइट। देखो मैं जानता हूँ अभी आपको सिर्फ 10% समझा है, ये रूल्स रीड करके 10% समझा होगा, ये देखकर और 10% समझ गया होगा होपफुली, ठीक है। अभी आगे और एग्जांपल्स देखेंगे तो और 10-20% समझता जाएगा, फिर पीछे का प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो और भी अच्छे समझेगा। नाउ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉन्ड मिस किया, देखो कितने कार्बन है, तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन एटम है और मिडल कार्बन एटम को बॉन्ड है OH, तो उसको ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के लिखा है, कार्बन की गिनती की गई है 1 2 3, आप कहाँ से भी गिनो, यहाँ से गिनो 1 2 3 या यहाँ से गिनो, OH मिडल में ही रहेगा, ठीक है। तो बोथ दी नंबरिंग आर इक्विवेलेंट, इसे कहते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। क्यों प्रोपेन ऑल है, बराबर है, लेकिन प्रोपेन टू ऑल क्यों, अगर ये OH मिडल की जगह कॉर्नर में होता OH, सपोज ये OH मिडल में नहीं होता कॉर्नर में होता, तो यहाँ पे आता प्रोपेन वन ऑल या सिर्फ प्रोपेन ऑल, लेकिन क्योंकि OH सेकेंड कार्बन को लगा है इसके लिए प्रोपेन टू ऑल, राइट। देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, यहाँ पे आयु टैग का आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डिटेल तो आगे स्टैंडर्ड में 11th में है। नेक्स्ट एक दो, देखो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि क्लोरीन इस तरफ है ना, तो यहाँ से नंबर, क्लोरीन इस तरफ होता तो मैं यहाँ से नंबर डालता हूँ, तो ये यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड है 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब पेंटेन और क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन है तो आगे आएगा क्लोरो पेंटेन। अच्छा कितने कार्बन को क्लोरीन बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन को, तो इसके लिए लिखा है 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, क्योंकि सेकेंड कार्बन को क्लोरीन अटैच्ड है, तो 2 क्लोरो पेंटेन। उसी तरह से पेंटेन है ये, ठीक है, तो देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन ग्रुप का है, 5 कार्बन मींस पेंटेन ग्रुप का है। अभी डबल बॉन्ड ओ तो कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अच्छा ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन से कार्बन को अटैच है, सेकेंड कार्बन को, तो ये क्या बनेगा, पेंटान टू वन, पेंटान टू ओन, राइट, पेंटान टू वन बोलो या पेंटान टू ओन बोल सकते हो, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। इथिलीन इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम आप करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है कॉमन नेम, ठीक है, बट आयुपैक नेम करना है। अच्छा स्ट्रक्चर, दो कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये तो इथीन है, इथीन, इथीन है ना, डबल बॉन्ड इथेन, सिंगल बॉन्ड रहता तो इथेन, डबल बॉन्ड है इथीन, यहाँ पे भी दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है, इथाइन। ये बेसिक तो आपको याद आना चाहिए कि इथीन कौन है, इथाइन कौन है, प्रोपाइन कौन है। यहाँ पे भी दो कार्बन है लेकिन एक फर्स्ट कार्बन को ओ ओ एच है, दो कार्बन है मतलब इथेन और ओ ओ एच तो एसिड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप सी ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको कहते हैं इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड याद रखना, इथेनॉइक एसिड। आजकल जो एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ यही पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, नाम पूछेंगे, तो ऑप्शन रहेगा, यू कैन ईजली क्लिक इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट सी एच थ्री ओ एच,
CH3 तो मीथेन है, OH अल्कोहल है, तो क्या बनेगा? मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, देखो तुम्हें बड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन्स नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, बेसिक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर ही पूछे जाएंगे। तो ये मिथेनॉल सिंपल, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है और OH है, दो कार्बन मतलब इथेन, OH मतलब ऑल अल्कोहल, तो ये क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, ये एक कार्बन OH था तो मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, OL, ऑलराइट। अब ये CH3CHO, ये तो CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसमें आल लगता है, आल। कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो इथेनॉल, इथेनॉल। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखो, नॉल अलग है, नाल अलग है, नॉल में OH है, नाल में HO है, नॉल अल्कोहल में OH होता है, और एल्डिहाइड जो रहता है, एल्डिहाइड का इसका अल लिया जाता है, अल, ए एल, ये एल्डिहाइड, अल। ठीक है, और अल्कोहल का ये लिया जाता है OH, ऑल। ठीक है, सो इसका क्या लिखा जाएगा? इथेनॉल। नेक्स्ट, एक दो तीन कार्बन है, और सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ओ रहता है जो, तो ये कीटोन ग्रुप है, अन आएगा, ओ एन ई वन। ठीक है, अन या वन, आप जैसा बोलो, वन आएगा। तो ये प्रोपेन है, प्रोपेनन, ये है प्रोपेनन, राइट, प्रोपेनन, प्रोपेनन, एन ओ पी आर ओ पी ए एन ओ एन ई। देखो जिसके सबके अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट ई की जगह ए एल आया, लास्ट अल्फ़ाबेट ई की जगह ओ एल आया, तो लास्ट अल्फ़ाबेट चेंज होता है। लार्ज अल्फाबेट इथेन है ना, ई टी एच ए एन ई, तो ई की जगह ओ आई सी, ऑइक एसिड आया, इथेनॉइक एसिड। जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि क्लियरिटी रहे। सो इथीन, इथाइन, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनन, प्रोपेनन, राइट। नेक्स्ट, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब यहाँ पे चार कार्बन है, और सेकेंड कार्बन को देखो, जहाँ से यहाँ से नंबरिंग होगी, वन टू थ्री फोर, ये वन रहेगा, ये टू रहेगा, ये थ्री, ये फोर। क्यों यहाँ से नंबरिंग? क्योंकि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग देने का, अगर वो राइट साइड पे तो राइट साइड से नंबरिंग देने का। ये इसको वन नहीं दे सकते हैं, मतलब वो जो साइड पे है वो साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो वन टू थ्री फोर नंबरिंग एंड से स्टार्ट होगी। सेकेंड कार्बन को डबल ओ बॉन्ड, सेकेंड कार्बन को ऑक्सीजन है, तो ये भी नन है, ओ एन ई वन, कीटोन ग्रुप है, तो ये चार कार्बन है, यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन टू टू, सेकेंड कार्बन पे बॉन्ड है, तो ब्यूटेन टू अन, ओ एन ई वन, ब्यूटेन टू अन, ब्यूटेन बीच में टू, टू क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे। अच्छा, कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा ऐसा प्रोपेन टू अन, तो लिख सकते हैं, वो मिलेगा मार्क्स। आप प्रोपेनन लिखो, क्योंकि इसका कोई आइसोमर नहीं है, लेकिन आप इसको प्रोपेन लिखो, प्रोपेनन लिखो, या प्रोपेन टू वन लिखो, चलेगा, दोनों राइट मिलेगा। ऑलराइट, सो ये भी हो गया ब्यूटेन टू वन। नेक्स्ट, दो कार्बन है और NH2 तो अमाइन ग्रुप है, अमाइन, तो ये इथेन अमाइन, तो इसका नाम है इथान अमाइन, अमाइन, AMIN। ठीक है, सब स्पेलिंग अवेलेबल है बुक में। लास्ट, एक दो तीन, तीन कार्बन, ये कार्बन नहीं, ए सी एल, ए सी एल मतलब क्लोरीन, तीन कार्बन और एक क्लोरीन, तो इसको कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, क्लोरीन कौन से कार्बन को है, मिडल में के पहले कार्बन को है? फर्स्ट कार्बन को है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे नहीं है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको कहते हैं वन क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ये प्रीफिक्स होते हैं, क्लोरो आगे लिखे जाते हैं, क्लोरो ब्रोमो, बाकी सब सफिक्स होते हैं जो पीछे लिखे जाते हैं। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं होप कर सकता हूँ 50% समझा होगा, 50%, होपफुली अभी 50% समझा होगा। डोंट वरी, अभी ख़त्म नहीं किया मैंने, अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना, वो करूँगा, ताकि आपको और जो बचा कुचा परसेंटेज है वो भी समझ जाए। ठीक है, 50% समझ गया है और 50% अभी समझ जाएगा।
प्लेन कार्बन है, देखो प्लेन चेन है कार्बन की, बॉन्डिंग है ही नहीं कुछ भी, राइट। ये टेक्स्ट बुक थोड़ा इरिटेट कर रही है, या तो यू कैन सी स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन है, देखो यहाँ पे आयुपैक नेम्स लिखना है, तो ऐसे ही एग्जाम में भी आता था 2 मार्क्स के लिए, स्ट्रक्चर दिया आयुपैक लिखना है, तो आप इसमें पहला स्टेटमेंट लिखोगे देर आर 4 कार्बन एटम, ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कार्बन है, चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कुछ भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन इसे कहते हैं, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन को खाली ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एन लिखो, खाली ब्यूटेन भी लिखोगे तो राइट मिलेगा, एन ब्यूटेन भी लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, ठीक है, दोनों करेक्ट है। एन ब्यूटेन सेकेंड वाला, एन ब्यूटेन जो नॉर्मल है, अगर आइसो रहता या न्यो रहता तो मैं लिखता, जनरल एन ब्यूटेन है तो खाली ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, या एन ब्यूटेन भी राइट है, या नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। सेकेंड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है और डबल ओ एच है, तो ये ऑइक एसिड है, डबल ओ एच ऑइक एसिड, 3 कार्बन तो ये है प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट 2 कार्बन है और फिर ये एच ओ लिखा है, एच ओ आल, एल्डिहाइड आल, ओ एच नहीं है, एच ओ है, ओ एच होता तो अल्कोहल, देखो ये ओ एच है, ये एच ओ है, तो 2 कार्बन मतलब इथेन और एच ओ आल, तो इथेनाल, इथेनाल है इसका नाम, इथेनाल, ऑलराइट, इथेनाल। नेक्स्ट 1 2 3 कार्बन है और ये ओ एच बीच वाले कार्बन को है, देखो इसको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और फिर यहाँ पर ओ एच दिया है, ठीक है, ओ एच, ये जो ओ एच बाजू में लिखा है वो असल में ब्रांच है ओ एच, ऑलराइट। सो इसका क्या नेमिंग रहेगा, सो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 3 3 कार्बन है प्रोपेन, ओ एच कौन से ग्रुप को है, सेकेंड, उसका नाम आएगा प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन पी आर ओ पी एन ई प्रोपेन, सॉरी पी आर ओ पी एन, प्रोपान डैश आएगा, ई नहीं आता है, पी आर ओ पी ए एन प्रोपान डैश, ये डैश है, अच्छे से लिखता हूँ, मेरा असल में जेल पेन है तो इंक स्पेल होती है, प्रोपान डैश टू ऑल, प्रोपान टू ऑल, ऑलराइट, सो प्रोपान टू ऑल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 2 कार्बन और एन एच टू, तो ये तो इथाइन अमाइन है, इथाइन अमाइन, ऐसे ईजी पूछेंगे, 10th स्टैंडर्ड को कोई इससे हाई फाई लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, तो डोंट वरी, इथाइन अमाइन, अमाइन। नेक्स्ट 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, नंबरिंग देंगे 1 2, ये 2 पे आ रहा है, ये साइड से नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आता है इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, देखो ये ओ एच को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये जो ओ एच है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो अमाइन है ये फंक्शनल ग्रुप है, उसी तरह से जो कार्बन, ये ओ है ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, ये एच ओ फंक्शनल ग्रुप है, तो ओ एच ओ ये साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, तो 1 2 3 4, सो 2 2, अच्छा खाली ओ है तो कीटोन, ओन, ओ एन ई, ओ एन ई 1, तो इसका नाम है ब्यूटेन 2 1, ब्यूटान, ब्यूटान बी यू टी एन, ब्यूटान डैश 2 ONE, तो ब्यूटान 2 1, वो आप लिख सकते हो बी यू टी ए, ब्यूटान डैश 2 ONE, ऑलराइट। और ये तो मैंने बताया इथाइल अमाइन, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट, ऐसी एक क्वेश्चन है, आयुपैक नेम दिया है और बोल रहे ड्रॉ करके बताओ स्ट्रक्चर, आयुपैक नेमिंग दिया है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला है, तो पहला वाला है पेन टू वन, पेन टू ओन, तो ओन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो मैं ये नोटबुक में करके बता रहा हूँ क्योंकि नेमिंग आ गया तो स्ट्रक्चर बनाने तो आएगा ही, ठीक है, सो मैं ये नोटबुक में करके बता रहा हूँ और ये भी मैं अभी बताऊँगा हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो मैंने क्वेश्चन नोटबुक में कॉपी कर लिया, अच्छा यहाँ पे 2 बार ई लिखा है गलती से, ए बी सी डी ई, तो ये एफ होगा, एफ, और ये जी होगा और ये एच है, ठीक है, तो वो कुछ पेंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन नंबर में, मैंने करेक्शन कर लिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि सॉल्व करते वक्त आप कंफ्यूज हो, इसके लिए मैंने पहले बता दिया। सो स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, फर्स्ट है पेंट 2 1, ठीक है, तो 1 तो कीटेन, कीटोन ग्रुप है, और पेंट मतलब पेंटा, पेंट मतलब
पेंट फाइव, ठीक है। सो फाइव और सेकेंड पे अनग्रुप आएगा, तो सबसे पहले मैं फाइव कार्बन डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पेंट मतलब पेंटेन, तो पेंटेन का फाइव कार्बन डाल दिया। सेकेंड कार्बन पे आपको ऑन डालना है यानी ऑक्सीजन देना है, तो ये सेकेंड ले लेते हैं और इसको ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी सबको आपको देखो इसमें सी एच थ्री लगेगा, हर कार्बन की चार वैलेंसी है, तो ये कार्बन में तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये कार्बन को दो ऑक्सीजन और एक ये कार्बन, तो इसमें एक भी एच नहीं आएगा, सिर्फ बॉन्ड आएगा। ये कार्बन को एच टू, ये कार्बन को एच टू, ठीक है, और ये कार्बन को सी एच थ्री। अब ये एच टू ऐसा लिखो या आप ऐसा डाल के एच एच लिखो, जैसे मैं सेकेंड में करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉल, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, ऑलराइट, और प्रोपेन टू ऑल है, तो सेकेंड कार्बन पे ओ एच है। अब ये ओ एच आप ऊपर डालो या नीचे डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, या बाजू में लिखो तो भी चलेगा। और ये जो है मैंने जैसे बताया सी एच थ्री, तो आप यहाँ पे एच थ्री डाल सकते हो या ऐसे भी तीन एच डाल सकते हो अलग अलग, सी एच थ्री में तीन एच ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये तीनों नहीं लिखना है आपको तो आप सी एच थ्री ऐसा लिख सकते हो। मैं दोनों स्टाइल बता रहा हूँ, या तो ये स्टाइल लिखो या तो ये स्टाइल लिखो, ठीक है, और या तो फिर इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी एच थ्री डैश सी ओ एच, फिर इसके साथ एक एच, फिर सी एच थ्री, ऑलराइट, और बीच में बॉन्ड बताना है। तो या तो तीन कार्बन बॉन्ड डाल के ऐसे लिखो जैसा मैंने लिखा था अभी कट कर दिया, और या तो फिर ऐसा लिखो सेकेंड, नहीं सॉरी ये बी, ये सी था, सी मैंने पहले कर दिया, बी बाद में। टू क्लोरो ब्यूटेन, टू क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो चार कार्बन, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अभी नेक्स्ट ब्यूटेन है चार कार्बन, टू क्लोरो तो सेकेंड को रहेगा, तो अगर आपको यहाँ से काउंट करना है तो ये सेकेंड, यहाँ से काउंट करना है तो ये सेकेंड, मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ वन टू, तो ये मेरा क्लोरो। अब यहाँ पर क्लोरो सी एल, मैं फिर बोल रहा हूँ सी एल ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे, कोई भी एक जगह पे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है तो नीचे लिखो। और फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन लगाते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन में तीन हाइड्रोजन लगेंगे, एक दो तीन, क्योंकि चार बॉन्ड बनते हैं तो तीन हाइड्रोजन के साथ एक ये कार्बन के साथ। सेकेंड कार्बन, ये कार्बन से एक बॉन्ड किया, क्लोरीन से एक बॉन्ड किया, ये कार्बन से एक बॉन्ड किया, तीन बॉन्ड हो गए सेकेंड कार्बन के, तो ये चौथा बॉन्ड उसका हाइड्रोजन से रहेगा। थर्ड कार्बन दो हाइड्रोजन से बॉन्ड रहेगा, क्योंकि उसका दो बॉन्ड दो कार्बन के साथ है, थर्ड कार्बन दो कार्बन के साथ दो बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड, चार बॉन्ड रहेगा। फोर्थ कार्बन एक कार्बन, थर्ड कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, रिमेनिंग बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, बॉन्ड बताना ज़रूरी है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो H3H2H3, जैसे इसको सी सी में तीन एच लिखा ना तो मैं डायरेक्ट सी एच थ्री लिख देता, सी एच थ्री सी एच सी एल, या सी एल ऊपर लिखो इधर सी एच, और यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच थ्री, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मीथेनॉल, नाल है, नॉल नहीं है, नाल, तो नाल में क्या लगेगा, एच ओ सी एच ओ, तो मीथेनॉल, तो सी एच ओ, यही है मीथेनॉल, ऑलराइट। तो ये मीथेनॉल का स्ट्रक्चर है सी एच ओ बस, या ऐसा भी लिख सकते हो सी एच और डबल बॉन्ड ओ, ये भी चलेगा, नहीं सॉरी सॉरी ये एच सी एच ओ है, एच सी एच ओ, ठीक है, एच सी एच ओ, ये है मीथेनॉल, ये आल ग्रुप है एच ओ, और ये सी एच सी एच ओ, ठीक है, मीथेनॉल, तो एक और हाइड्रोजन रहेगा, वरना कार्बन की वैलेंसी नहीं होगी, कार्बन टेट्रा वैलेंट है, उसको चार बॉन्ड लगते हैं, तो एच सी एच ओ, ये है मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल डी वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से टाइप के रिएक्शन है, हमें आइडेंटिफाई करने बोला है, पहला है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो चार तीन कार्बन थे एक ओ एच था, तीन कार्बन ही है और ओ एच भी उतना ही है, तो क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। देखो यहाँ पे एक ओ एच था, ऑक्सीजन नहीं था ओ, यहाँ पे दो ओ आ गए, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये टाइप है उसका, ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक ही ऑक्सीजन ओ एच था, अभी सी ओ ओ एच हो गया तो ये ओ बढ़ गया, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड बहुत सिंपल है, सी ओ टू क्या रहेगा, जब सी ओ टू आ रहा है तो
प्रोडक्ट साइड पे जब सी ओ टू आ रहा है तो कंबशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वाला देखो, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया डबल बॉन्ड निकल जाएगा और सब सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, तो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ वाला, अब देखो यहाँ पे CH3 था, Cl2 था, तो H ने एक H क्लोरीन की जगह एक क्लोरीन ने H को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस, तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कंबशन, CUMB, कंबशन मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ शॉर्ट में, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया, सेकेंड वाला कंबशन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे रिलीज हो रहा है, थर्ड वाला एडिशन है क्योंकि डबल बॉन्ड था वो गायब हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ब्रेक हो गया डबल बॉन्ड। फोर्थ वाला CH3 था तो एक CH3 CH2 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह एक क्लोरीन ने ले ली, तो CH3 CH2 Cl हो गया और HCl, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले में ये सारे सिंगल बॉन्ड थे, प्रोडक्ट साइड पे एक डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड थे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी इसमें से एक हाइड्रोजन और एक OH कम हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया, तो सब सिंगल बॉन्ड थे डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का एग्जांपल बता दूं, अगर आपको ऐसा कुछ मन में हो रहा है कंफ्यूजन, तो ये रहा एग्जांपल डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सब सिंगल बॉन्ड थे, प्रोडक्ट साइड पे डबल बॉन्ड आया, डिहाइड्रेशन। अगर इधर डबल बॉन्ड होता और रिएक्टेंट में सिंगल आता तो एडिशन, एडिशन का अपोजिट डिहाइड्रेशन। एडिशन देखो, एडिशन यहाँ राइट में लिखा हूँ मैं, एडिशन अपोजिट है डिहाइड्रेशन का, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एडिशन रिएक्शन अपोजिट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, ठीक है। एडिशन का अपोजिट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सो फोर्थ ई वाला है हमारा डिहाइड्रेशन, ऑलराइट, डिहाइड। नेक्स्ट फोर्थ हो गया। फिफ्थ एफ, एफ में क्या है, CH3 CH2 COH NaOH। अब यहाँ पर ये एसिड है और बेस से रिएक्ट हो रहा है, एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, या रिएक्शन विद बेस लिखो क्योंकि पीछे नाम वो दिया, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस से रिएक्ट होता है, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं या रिएक्शन विद बेस भी कहते हैं, ऑलराइट। लास्ट फिर से एसिड है, लेकिन इस बार एसिड किससे रिएक्ट हो रहा है, CH3 COH, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसमें से आ रहा है, एक हाइड्रोजन इसमें से आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें ईस्टर मिल रहा है, ईस्टर, तो इसे ईस्टरीफिकेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ईस्टरीफिकेशन तो बताया नहीं आपने, एक्चुअल में ये ओमिट पार्ट में है ईस्टरीफिकेशन, यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर है ईस्टरीफिकेशन, ठीक है, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन टाइप ही होता है और वाटर बनेगा, ठीक है। सो ये लास्ट बचा था ईस्टरीफिकेशन, मैंने आई थॉट के ओमिट है, लेकिन वो ओमिट नहीं, उसके बाद का टॉपिक ओमिट है, तो ईस्टर्स है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, ये CH3 COO और ये CH3 CH2, ये मिलके जो बनेगा इसको ईस्टर कहते हैं, ईस्टर, और प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोन, तो एक लास्ट है जो स्पेशल अलग सा बचा है, ईस्टरीफिकेशन। तो ये भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है आपको पहचानने के, ऑक्सीडेशन है, कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, डिहाइड्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन या ईस्टरीफिकेशन है, कौन से टाइप का रिएक्शन है आपको पहचानना है। और IUPAC देखो, फिर बोल रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है IUPAC, IUPAC नेमिंग सिस्टम इतना ईजी नहीं है, इसके लिए वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, वीडियो को तीन से तीन बार देखो, ठीक है, तो आपको IUPAC अच्छे से सॉल्व करने आ जाएगा, नेमिंग करने आ जाएगा। अगर तीन बार नहीं देख सकते, एटलीस्ट दो बार देखो, ठीक है, तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स।
हो सकता है मुझसे इसमें कुछ गलती हुई हो, नेम करने में कोई माइनर मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं लेट नाइट आधी नींद में ही वीडियो बना रहा हूँ, सो वो आप करेक्शन कर लो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा जॉब है. तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन आई एम सक्सेसफुल. थैंक यू.